नमस्कार, मैं हूँ मानसी जायसवाल। दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ सात बच्चे। जी हाँ, इराक में एक 25 साल की महिला ने एक साथ सात बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेबी बॉय और छह बेबी गर्ल्स शामिल हैं। इराक में एक साथ माँ के सात बच्चे के जन्म देने का पहला मामला ये बताया जा रहा है। पूर्वी इराक के दियाली प्रोविंस के एक हॉस्पिटल में महिला ने बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर के मुताबिक महिला का स्वास्थ्य अब बेहतर है और बच्चे भी अच्छे हैं। हालांकि महिला का नाम गुप्त रखा गया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि सभी बच्चे और माँ हेल्दी हैं। बच्चों के पिता यूसुफ फैदल ने कहा है कि उन्होंने परिवार बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं की थी और अब 10 बच्चों की देखभाल एक साथ करनी होगी। बता दें, इससे पहले एक मामला लेबनान में हुआ था, जहां एक महिला ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 3 बेटियां और 3 बेटे एक साथ जन्म दिया था। माना जाता है कि दुनिया में 7 जीवित बच्चों को एक साथ जन्म देने का मामला पहली बार अमेरिका के लोवा में देखा गया था। अमेरिका की घटना में कपल के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद बच्चों का जन्म हुआ था। जब ये सामने आया कि महिला 7 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई है, तब उन्होंने कुछ बच्चों का अबॉर्शन कराने से मना कर दिया था और कहा था कि अब उनकी जिंदगी भगवान के हाथ में है। अमेरिका का मामला इतना चर्चित हो गया था कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने खुद परिवार को फ़ोन किया था और परिवार को कई फेमस टीवी शो में भी बुलाया गया था और कई कंपनियों ने कपल की मदद की पेशकश की थी और उन्हें एक घर भी गिफ्ट में दिया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।